प्रथम तहलका न्यूज। जाखल क्षेत्र में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यहां पर 6 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से यहां के स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर 31 जुलाई और 1 अगस्त को स्कूल बंद रखा जाएगा। बता दें कि जाखल के गाँव करंडी और गुल्लरवाला में 6 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद से जाखल स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है। सरकारी अस्पताल के CMO डॉक्टर राजेश देश ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना जांच के लिए विभाग सैंपल ले रहा है। उनकी टीम के द्वारा गांव गुल्लरवाला में 55 स्कूली बच्चों और गांव करंडी में 100 स्कूली बच्चों के सैंपल लिए गए थे। हमारे CSC जाखल के PSC म्योंग में के गांव गुल्लरवाला और करंडी गांव में 6 बच्चे पॉजिटिव आए। हमने जो गुल्लरवाला गांव में 55 बच्चों के सैंपल लिए थे, जिसमें 3 बच्चे पॉजिटिव आए, और करंडी गांव में हमने 100 बच्चों के सैंपल लिए थे। वो स्कूल के बच्चे हैं और उनमें से भी 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। हम आगे स्कूल को सैनिटाइज करके और पूरे स्टाफ और स्कूल के बच्चों का पूरों का सैंपल लेंगे और उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। विभाग के द्वारा स्कूलों में सैनिटाइजर व अन्य कोरोना निर्देशों की पालना करते हुए अगले कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को यह जानकारी 30 जुलाई की देर शाम मिली थी, तो वही 31 जुलाई और 1 अगस्त को स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। स्कूल में एक साथ 6 बच्चों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आना परिजनों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। प्रथम तहलका के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।